हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम बना रहे हैं वेज कबाब और क्या था मशरूम था। तो अभी हम जा रहे हैं सब्जी लेने, मेरे सारा विशाल और शेफ भी पीछे आ रहे हैं हमारे शेफ भाईजान। तो सिलमोन भाई। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं सब्जी की दुकान पर। यहाँ पे हमारे भैया सब्जी लेंगे वेज कबाब के लिए। सबसे पहले भैया ने आलू लेना है। तो गाइस हमने सब्जियाँ ले ली हैं, अब बिलिंग हो रही है। ये भैया यहाँ पर बिलिंग करते हैं। भैया की दुकान यहीं पर है। कहाँ पे है ये मेन रोड के पास पुलिस स्टेशन के पास सामने ही है भैया की दुकान। बहुत भीड़ है गाइस। मास्क नहीं लगाया इन्होंने फिर से आज। गाइस हमने फाइनली सब्जियाँ ले ली है, अब जाके देखते हैं घर में क्या लेना है। लहसुन की दुकान में जाना है। किसकी दुकान में? लहसुन की दुकान में। लहसुन लेना है? लहसुन की दुकान में जाना है। गाइस हमें अभी मतलब तीन सामान और लेना है, तो वो मिला नहीं दूसरी दुकान में। भैया तो चले गए घर सब्जी लेकर, तो हम आगे जाके देख रहे हैं और अगर दुकान में मिला तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं यार। गाइस हम दुकान के बाहर आ चुके हैं, भैया सामान लेने जाएंगे। जाओ भैया क्या लेना है? तो अजीना मोटो और क्या लेना था? क्या लेना था? और अजीना मोटो और ब्रेड क्रैम्प और मैदा लेना है, तो लेते हैं अभी। उसके बाद आपसे मिलते हैं घर पे। चलो ठीक है, बाहर मिलते हैं, घर पे नहीं मिलेंगे। भैया का कहना है तो मांगते हैं किसी से। मैदा दे दो आधा किलो और अजीना मोटो 100 ग्राम और क्या था ब्रेड क्रैम्प जो भी हो। कितना ब्रेड क्रैम्प? आधा किलो बोला। आधा किलो। तो गाइस इसके बाद हमें पनीर लेने जाना है, तो पनीर लेके घर निकलेंगे, तो घर ही मिलते हैं डायरेक्ट। चलो ये आगे हम दुकान बीकानेर या बीकानेर कह दिया मैंने गलती से, तो आधा किलो पनीर दे दो। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं घर, अब अपने हलवाई मित्र को देंगे। मित्र सामान पकड़ाएंगे और सामान बनवाएंगे, देखते क्या कर रहे हैं। है ही नहीं, गायब हो गया। आप आए ही नहीं, हम आए सामान लेके भाग गए। चाकू लेने गए थे बता तो देते हैं। ये क्या बनेगा? चौप हो रहा है। वेज कबाब। फिर मशरूम काटते हुए प्याज का नंबर आया। प्रोफेशनली है भैया की शादी आएंगी। विशाल भैया की शादी में आएंगे। ये हो रहा हमारा मशरूम रेडी, ये स्टिक में लगा के जोड़ रहे हैं और इसे इकट्ठा कर रहे हैं। इसके ऊपर वो भी लगेगा ना, अभी बेसन से नहीं मैदा क्या बोलते हैं बेसन से ना। हाँ करोड़ क्या अखरोट वही अखरोट लगेगा। अरारोट अखरोट। तो ये हो रहा है वेज कबाब तैयार हमारा। हल्का फुल्का ही रहेगा क्या? हल्का फुल्का रहेगा। ये हमारी दो खतरनाक डिशेज। हमारा क्या था ये मशरूम का पूरा नाम क्या है? मशरूम टू प्लस टू ठीक है। ये वो है और ये हमारा है 1+1 क्या माइनस वन क्या नाम है इसका? मिक्स वेजिटेबल्स। इसका नाम है वेज कबाब। ये है वेज कबाब, ये है चिकन कबाब, ये भी वेज कबाब ही है। ये रहा अजीनो मोटो समझी ना क्या? हाँ कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। सच्ची लग जाएगी? आधा घंटा। अब उधर से हो? हाँ चलो हम जिम जा रहे हैं। वाह बना दिया। तो ये हो रहा रेडी मशरूम है, वेज कबाब है और क्या? वेज पॉप से। तो ये बनाया है भैया ने, तो ट्राई करते हैं इसको कैसा बना होगा। आप ही ट्राई कर लो पहली बार। विशाल जी आइए, लो उठाइए विशाल जी। मेरा मुंह ही दिखा दो आप। हाँ तेरा मुंह दिखाऊंगा मैं। खाओ आप। हाँ मैं खा रहा हूँ। नहीं मैं खाऊंगा फिर बारे में बताऊंगा कैसा लगा। गाइस भैया ने वेज कबाब और जो मशरूम थे वो तो काफ़ी बढ़िया बनाए। वैसे जा चुके हैं भैया। अगर आपको वीडियो पसंद है, यहाँ तक मतलब अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।